हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल SKT चैनल पर। दोस्तों, कल यानी कि आपका 6 मार्च को जो पेपर होने वाला है हिंदी विषय का, तो इसका हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, अगर आपको हिंदी विषय में टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न पत्र को आपको करना होगा, क्योंकि ये आपका वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। 100% आने वाला वायरल क्वेश्चन पेपर 6 मार्च का लिए, ठीक है, 6 मार्च के लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर इससे पहले हमने आपको सेट ये वी बताया हुआ है, इससे पहले हमने सेट ए का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर वी चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 100% इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके वार्षिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वार्षिक पेपर के, ठीक है। वार्षिक पेपर का जो आपका वायरल क्वेश्चन पेपर हो रहा है उसका यहाँ पर मटेरियल दिया गया है। बस आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपके इसमें बताए गए सभी प्रश्नों को आप याद करते हैं तो आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो कि 60 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें आप 40 से 50 अंक आसानी से ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम इसके आंसर देखेंगे, साथ में हम आपको क्या बताएंगे इसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, जो आपके सामने दिए गए रब तब भब नब। तो देखिएगा, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो नब शब्द था वो कई बार आ रहा था, यदि आप डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं टॉप करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, चलेगा। वर्दे कविता की रचयिता कौन है? देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, गोपाल प्रसाद, नीरज, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, उसकी ताकत के कारण, उसे प्राप्त वरदान के कारण, उसके प्रति सम्मान के कारण, उससे डरने के कारण। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे प्राप्त वरदान के कारण, वो क्या हो गए थे यहाँ पर, इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, ठीक है, चलिए। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है, चलिए। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? लेखिका शिवानी का, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का, या प्रोफेसर सेटना का? देखिएगा, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, चलिएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाते हैं 6 से 10 तक शुरू, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, वर्दे कविता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपके यहाँ पर दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीणा वादनी, क्या हो जाएगा, वीणा वादनी। इसके बाद देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि उन्नति की कुंजी तो अविचलित है, खाली स्थान है ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा, क्या हो जाएगा, संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य आश्रित वाक्य है, तो देखिए ये कौन सा कैसा वाक्य है, ये आपका मिश्रित वाक्य है, क्या विशेष विशेषण आश्रित वाक्य है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया, वीरजन्य शब्द में समास है, तो वीरजन्य शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यहाँ पर लिख देते हैं हम तत्पुरुष समास, इस तरीके से आपको तत्पुरुष समास से लिख लेना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट दिया गया, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवनी स्थल जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है, तो किसके रूप में दिखाई देता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि मानव, क्या हो जाएगा बच्चों, आदि मानव, इस तरीके से यहाँ पर आदि मानव। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके अति लघुत्तर प्रश्न जो 11 से 16 तक पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वर्दे
वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखी है। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति को आपको यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए ये आपका पूरा पूरा कॉपी का ही यहाँ पर प्रिंट आउट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाला हुआ। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, काट अंध डर, काट अंध डर के बंधन, स्तर वहां जननी ज्योतिर्मय, निसर कलुष वेद, तम हर प्रकाश मर जगमग करे। तो उस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये सब हमारी सोच पर है, यदि हम में आत्मविश्वास है तो सामने वाले की शक्ति कम हो जाएगी। तो इस तरीके देखते हैं 13, 14, 15, 16 सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न हमने अभी आपको 12 तक बताए हैं, ठीक है। इसके पहले हमने सेट आपको जो है ए का फुल सॉल्यूशन बता रखा है, इसमें दो चार क्वेश्चंस बचे हैं, सेट बी में भी कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। सभी प्रश्न देखिएगा, आपको अब क्या करना है, आपको अब गूगल स्टार्ट कर लेना है। गूगल पर आपको सर्च करना है एस के टीच, जैसे ही एस की टीच सर्च करेंगे उसके बाद कर देना है एस की टीच क्लास 8 हिंदी, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा, एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, उस आर्टिकल को आप ओपन करें, या फिर अपन नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में सीधी लिंक दी गई होगी, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आपको ज्वाइन करना होगा। जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको एक सीधी लिंक देखने को मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को आपको क्या करना है बच्चों, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।